गोमिया थाना क्षेत्र के हजारी पंचायत स्थित गरवाडीह में घर के अंदर माँ बेटी का फंदे से झूलता शव मिलने से सनसनी फैल गई है। माँ घर के कमरे के अंदर फंदे से झूलकर आत्महत्या की है, जबकि बेटी ने घर के बरामदे में फंदे से झूलने का काम किया। इस आत्महत्या के मामले में गोमिया पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय लक्ष्मी देवी और 17 वर्षीय पम्मी कुमारी अकेले इस घर में रह रहे थे, जबकि पुत्र कल ही चेन्नई काम करने के लिए घर से निकला था। हालांकि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक दोनों के घर अहले सुबह से ही नहीं निकलने पर लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों को फंदे से झूलता पाया। महिला के पति की मौत वर्ष 2011 में घर से निकलने के बाद गांव में ही संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी, जैसा कि स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हो रही है। मृतक परिवार का जमीन ONGC के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर इनका परिवार वालों के साथ विवाद भी चल रहा था। जैसा कि जानकारी मिली है, कल दोनों माँ बेटी रात में घर लौटे थे, उसके बाद आज सुबह इस तरह की घटना सामने आई। हालांकि मृतक के परिजन इसे हत्या मान रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस कमरे में माँ ने फांसी लगाई थी वह कमरा अंदर से बंद था, जबकि घर के चारों तरफ दरवाजे बंद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व मृतक के घर में दूध में भी पॉइजन मिलाने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मामले की जांच की थी। बीते रात्रि एक माँ बेटी फांसी लगा के हत्या करने का एक मामला आया है। प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या के लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर।